आप सब लोग स्वागत है आप सबका। अभी हम लोगों ने कई परीक्षाओं का आयोजन जो पूर्व में किया हुआ था उसका परीक्षा फल घोषित भी किए हैं। कल भी हम लोगों ने तीन परीक्षा फल का घोषित किया है और एक लंबित पुराना छोटा सा मामला था उसका भी परीक्षा फल घोषित किया है। आगे आने वाले समय में भी हम लोग अब बहुत जल्दी जो हमारे लंबित हैं CDPO के, DPRO के, प्रोजेक्ट मैनेजर के और पंचायती राज ऑडिटर का, इन सबों का परीक्षा फल भी हम लोग अगले माह तक निश्चित रूप से घोषित कर देंगे और उम्मीद है कि जुलाई माह में हम लोग 67 कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम का मेंस का भी परीक्षा फल घोषित कर सकेंगे। ये हमारे जो पुराने जितने हम लोग परीक्षा लेते रहे हैं जो ले चुके हैं उसका परिणाम परीक्षा फल के बारे में मैंने बताया। अब एक नया टास्क मिला है BPSC को सरकार के द्वारा, आप सब लोग अवगत हैं, वो अध्यापक नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजने के लिए। इसका हम लोगों ने पाठ्यक्रम और परीक्षा के संरचना के बारे में अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के कुछ संशय आप लोगों के भी मन में होगा और अभ्यर्थियों के भी मन में होगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रश्न पूछें और उनके बाद अगर कोई संशय है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको दूर करूँ। कुछ जानकारी मैं दे देना चाहूँगा ताकि आप लोग प्रश्न अगर पूछेंगे तो आसानी रहेगा। उसके बाद टोटल पद जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943 है जिसकी अधियाचना आयोग को प्राप्त हुई है, 79,943। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के लिए 32,916 और उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए 57,602 टोटल होता है 170,461 आप लोग भी टोटल कर लेंगे। अब इसमें जो अर्हताएं हैं वो सरकार के नियमावली में दिया हुआ है और जहाँ जहाँ वो मिसिंग होगा वो सरकार के निर्देश पर और सरकार के साथ आयोग की बैठक, संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप वो होगा और वो विज्ञापन के समय, जब विज्ञापन जब निकलेगा एक दो दिन दिन में, मैं समझता हूँ कि विज्ञापन भी हम लोग निकाल देंगे। वैसे मैं बता दूँ मोटा मोटी तौर पर कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो न्यूनतम अर्हताएँ होंगी वो इंटर पास प्लस CTET प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BEd अगर किया हो तो वो होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन प्लस स्टेट STET प्लस BEd और हायर सेकेंडरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना है और स्टेट और BEd होना है। डिग्री मतलब ग्रेजुएशन प्लस स्टेट प्लस BEd और इसमें जो नियमावली के हिसाब से ही जो लोग वर्ष 2012 के पूर्व के जो होंगे, जो नियोजित हैं, उनको उनके लिए TET मतलब टीचर्स एलिबिलिटी टेस्ट से वो उनको एग्जेम्पशन है। हाँ तो ये हुआ। उसके अलावा फिर एज रिलैक्सेशन भी है उन लोगों के लिए, वो सारा चीज़ नियमावली में पहले से दिया हुआ है, वही चीज़ विज्ञापन में हम लोग रिपीट कर देंगे। अब जो हम लोगों ने जो पाठ्यक्रम निकाला और जो उसके लाइट में लोगों को जो जिज्ञासा या संशय है थोड़ा मैं उसको दूर करना चाहूँगा। ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि परीक्षा एक ही दिन में होगा
एक दिन से अधिक में होगा, तो हम लोग आवेदन जो मांगेंगे वो इन सभी पदों के लिए एक साथ मांगेंगे, एक ही आवेदन होगा। मतलब कहने का है कि एक कैंडिडेट अगर वो योग्य है तो वो प्राथमिक के साथ साथ वो हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी, दोनों तीनों के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एक साथ अप्लाई एक साथ कर सकता है, और जब हम अप्लाई करने की जब हम उसको सुविधा देंगे, क्योंकि उसका हक भी है, अगर वो योग्य है तो तीनों में अप्लाई कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि हम उसको तीनों के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भी हम उसी हिसाब से परीक्षा की तिथि को रखेंगे, ताकि अगर वो योग्य कैंडिडेट है तो वो तीनों परीक्षा में अलग अलग तिथि पर वो भाग ले सकता है। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम या और परीक्षा की जो संरचना है वो हम लोगों ने इस तरीके से डिसाइड किया है कि एक पत्र, एक पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और वो भाषा का, भाषा का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें उसको सिर्फ पास करना है, उसका मेरिट नहीं जुटेगा, मेरिट में नहीं जुटेगा वो। उसमें भाषा में दो सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन अंग्रेजी है जो सबको करना है, और दूसरा सेक्शन में विकल्प है, मतलब कि वो हिंदी, उर्दू या बंगला, क्योंकि हमारे पास जो पद आए हैं प्राथमिक में उसमें बंगला के लिए 148 पद है, उर्दू के लिए 12,729 पद है, और बाकी जो प्राथमिक के जो बाकी हैं वो सामान्य है, मतलब हिंदी के हैं। ये सर जो क्वालिफाइंग वाला जो मामला है जिसमें 25 मार्च का अंग्रेजी पेपर, मैं आपकी जिज्ञासा को जल्दी ही शांत कर दूंगा। 25 मार्क्स जो रहेगा वो, और सभी एग्ज़ाम जो हमारे हैं वो MCQ बेस्ड हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर भाषा का है उसमें अंग्रेजी 25 नंबर के रहेंगे, 25 प्रश्न, और हिंदी या उर्दू बंगला जो रहेगा वो 75-75 का रहेगा, उसमें से कोई एक चुनना है उनको, मतलब टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न रहेंगे, और पूरे पेपर में उनको 30%, मतलब कि 30 नंबर न्यूनतम लाना होगा तभी वो पास करेंगे, नहीं तो वो परीक्षा से, प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसमें जो लोगों को जो जिज्ञासा है कि पहला कि क्या 30% अंग्रेजी में अलग और हिंदी में अलग लाना है, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, संयुक्त रूप से उनको 30% लाना है, मतलब 30 नंबर लाना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई शिक्षक हो और वह सड़क पर अगर चल रहे हैं, और सड़क पर जो रोड पर जो साइनेजेस रहता है वो अंग्रेजी में भी रहता है, तो उसको न पढ़ सकें वो शिक्षक क्या हुए? जो राह चलते हुए जो रोड के जो साइनेजेस है उसको अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ है तो उसको भी न पढ़ सके हैं, तो क्या वो अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक हुए? इसलिए हम लोग प्रश्न के स्तर को हम लोग इस तरह से रखने का कोशिश करेंगे कि हम उनको अंग्रेजी जरूर सरल रहेगा, कठिन नहीं रहेगा, मानते हैं कि यहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेश है तो अंग्रेजी का प्रश्न कठिन नहीं रहेगा, लेकिन इसका यह मतलब हुआ कि हिंदी का भी प्रश्न सरल नहीं होगा, क्योंकि अगर हिंदी का प्रश्न भी सरल हुआ और अंग्रेजी का प्रश्न भी सरल हुआ तो सब हिंदी ही देख करके निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा हम लोग भी दिमाग लगाएंगे, और मैं चाहूँगा कि अभ्यर्थी भी थोड़ा तो अंग्रेजी भी पढ़ ही लें, ताकि वो शून्य न हो अंग्रेजी उनका, क्योंकि शून्य से अगर फिर वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राह चलता वो साइनेज भी नहीं पढ़ पाएंगे, के बारे में मैंने बताया। इसके बाद अब मेन पेपर होगा, मेन पेपर
150 नंबर का होगा जिस पर कि मेरिट होगा, और हर स्कूल के कैटेगरी के लिए एक ही मेन पेपर है। जैसे प्राथमिक के लिए सिर्फ एक मेन पेपर है, अगर हम हाई स्कूल के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी एक ही मेन पेपर है, और अगर हम इंटर के लिए भी इंटर स्कूल के लिए भी जाते हैं, मतलब सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी एक ही मेन पेपर है। एक ही पेपर उसके बाद देना है, और वो अगर कोई अभ्यर्थी अगर तीनों श्रेणी के लिए अप्लाई करता है तो स्वाभाविक है कि उसको फिर तीनों पेपर देना होगा, अलग अलग दिन होगा लेकिन देना होगा तीनों। फिर मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगा क्योंकि सबके लिए अलग अलग वो परीक्षा है। अब रही बात कि जो भी 150 नंबर का जो मेन पेपर हुआ उसका कंपोजिशन इस तरह से रहेगा कि 100 क्वेश्चंस तो रहेंगे वही जो वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उसका टॉपिक, उसका चैप्टर, उसका विषय, वो वही होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में। इसलिए अगर ये जिज्ञासा है कि उसका हम सिलेबस में विस्तार करके दें तो मेरा ये कहना होगा कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों के लिए उसी को देख लें, उसी को पढ़ लें, चैप्टर उसी के हिसाब से कंप्लीट कर लें, उनका डिटेल सिलेबस हो जाएगा। अगर मान लें कि अगर कोई फिजिक्स का देखता है या कोई हिंदी का देखता है तो जो अगर कोई इंटर का अगर है वो विषय तो इंटर में जो पढ़ाई होती है एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए उसका वही रहेगा, चैप्टर कंटेंट्स वही रहेगा। प्राथमिक विद्यालय में भी अगर जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं शिक्षक वो वही रहेगा, कंटेंट वही, चैप्टर्स वही रहेंगे। मतलब सिलेबस का जो विस्तार, डिटेल सिलेबस की जो लोग मांग कर रहे हैं वो करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको देखना है तो अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस बच्चों का उठा कर देख लें और उसी की पढ़ाई कर लें। अब रही बात कि शिक्षक हैं वो, बच्चों से उनका ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों से उनका स्तर ज़्यादा होना चाहिए तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनका चैप्टर तो वही होगा जो बच्चों को पढ़ाने वाला है, लेकिन उसका स्तर जो होगा वो बच्चों वाला तो नहीं होगा। उनका स्तर जो उनका उनके लिए जो जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता जो है वो इंटर है, तो उसी के आलोक में प्रश्न पत्र का स्तर होगा। चैप्टर तो वही हुआ जो प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो स्तर जो होगा वो उनके जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता मतलब इंटर जैसे है, तो उसी को ध्यान में रख करके होगा कि इंटर पास एक अभ्यर्थी स्कूल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको क्या ज्ञान होना चाहिए, जो भी विषय वो पढ़ाएंगे उसके लिए उनका क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या स्तर होना चाहिए, वो उसी के आलोक में रहेगा। और उसी तरीके से अगर मान लें अगर प्लस टू का अगर कोई शिक्षक है अभ्यर्थी तो स्वाभाविक है कि वो प्लस टू के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उसका स्तर तो उससे ऊंचा का होना है, तो फिर प्लस टू के शिक्षक के न्यूनतम अर्हता जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो हम लोग उसी के आलोक में कि वो इंटर के बच्चों को पढ़ाने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन अभ्यर्थी हैं तो प्रश्नों का स्तर क्या होना है वो उसी के हिसाब से हम लोग तय कर लेंगे। तो अब इसमें इसको लेकर के जो लोगों को कन्फ्यूज़न था कि हमारा क्या रहेगा पाठ्यक्रम का कैसे मतलब डिटेल क्या रहेगा, तो मैंने बता दिया। अब रही बात की है तो 100 नंबर के हुआ, बाकी 50 नंबर के जो रहेंगे वो सामान्य ज्ञान जो है जनरल साइंस कर लें, जनरल स्टडीज़ कह लें, वो बेसिकली जो पहला जो 100 नंबर का जो हुआ वो उनके नॉलेज का टेस्ट होगा, और बाकी जो 50 नंबर का जो होगा वो उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, मतलब कि उसमें मेंटल एबिलिटी रहेगा वगैरह वगैरह, रीजनिंग रहेगा और इसी तरह के मिलते जुलते चीज़ रहेंगे जो उनके कुछ हो सकता है कि सामान्य तरह का जो एक किसी भी जागरूक नागरिक को या शिक्षक को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए सामान्य ज्ञान का, तो वो उसी तरह का रहेगा। वो बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि हम कोई जो लोग
ये आशंकित हो रहे हैं कि हम SDM बना रहे हैं, ऑफिसर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी लोक सेवक ही होंगे और जो SDM जो हैं वो भी लोक सेवक ही होंगे, और किसी भी एक लोक सेवक को एक जो सामान्य ज्ञान का जो स्तर होना चाहिए इसका स्तर उतना ज़्यादा नहीं होगा, जो कि स्पष्ट है। लेकिन इसमें 50 नंबर जो रहेंगे वो उनके विषय ज्ञान से हट करके ये उनके सामान्य ज्ञान, जो उनकी बुद्धिमत्ता का जो हम असेस करने का प्रयास करेंगे इसमें। अब रही बात कि इस पूरे मामले में हम लोगों ने इस बार शुरू से ही स्पष्ट कर दिया है कि इसमें तुक्केबाजी को हम प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऑफिसर अगर है तो वो ऑफिसर, जैसे सिविल सर्विसेज का हम एग्ज़ाम लेते हैं, वो कोई भी विषय पढ़ के आता है लेकिन वो उस विषय का उपयोग नहीं करता है अपने कार्य में। अगर वो मान लें कि फिजिक्स पढ़ के आया तो सीधे वो फिजिक्स का उपयोग थोड़ी कर रहा है अपने कार्य में। लेकिन शिक्षक जो है वो सीधे अपने उस ज्ञान का उपयोग कर रहा है। अगर वो फिजिक्स पढ़ के आया है या हिस्ट्री पढ़ के आया है तो वो उसका उपयोग कर रहा है अपना ज्ञान बांटने में, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में। वो अपने ज्ञान के मामले में तुक्केबाजी अगर करते हैं तो ज़्यादा खतरनाक होगा, वो बच्चों के लिए भविष्य से खिलवाड़ वाली बात होगी। इसलिए हम उनको तुक्केबाजी पर अंकुश शुरू से ही लगाएंगे और इसलिए हम इसमें नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों को उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वो पढ़ाएंगे बच्चों, जो उनका अपना खुद का विषय है जिस पर उन्होंने पढ़ाई किया है और जिस पर वो आगे काम कर रहे होंगे या काम करेंगे, उसका तो उनको ज्ञान होना ही है, नहीं तो वो अपना पढ़ाएंगे कैसे। इसलिए वो चूँकि उनका ज्ञान भी है, उसका अनुभव भी है, इसलिए उनको कोई उसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी उनको। और इस बार तो मतलब कंबाइंड सिविल सर्विस की तुलना में सक्सेस रेशियो जिसमें जो होना है, जैसे 1,70,000 से ऊपर वैकेंसी है, अगर अभ्यर्थियों की संख्या हम माने कि 6-7 लाख अगर होंगे तो आप अनुपात देख लें कि सक्सेस का अनुपात काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जिसमें कि काफ़ी मारामारी रहता है। तो इसमें उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न का स्तर जो होगा वो कठिन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली वो एक तरह से बहुत हल्का भी नहीं होगा। वो उनके जो काम जो करेंगे, जो पढ़ाएंगे, उसको उसके ही आलोक में उसका स्तर होगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा उसके बारे में जो लोग यहाँ पर पहले से जुटे हुए हैं आयोग के संबंध में, नेगेटिव मार्किंग संबंध में, जानते हैं कि अगर ऑप्शन, अगर 5 ऑप्शन रहेंगे अगर तो 1/n-1 होता है फॉर्मूला उसके हिसाब से। मतलब कि अगर 5 ऑप्शन है तो मतलब कि 4 गलत प्रश्न और 1 सही प्रश्न मिलाकर के 0 होना है। 5 ऑप्शन है तो 1/4 हो जाएगा, और अगर 4 ऑप्शन है तो 1/3 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला रहता है और इसका निर्णय हम लोग कर देंगे और वो परीक्षा में भी उन लोग पता चल जाएगा, लेकिन उससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और हम लोग अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय भी देंगे पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, इसलिए इसमें घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। और अनुपात, जो सक्सेस का अनुपात इतना बेहतर है, मैं समझता हूँ कि जो अगर थोड़े से भी जो लोग पढ़ा रहे होंगे, ठीक से पढ़ा रहे होंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाएंगे इसमें। अब आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो इसमें, कोई जिज्ञासा हो, एग्ज़ाम कब तक होगा? एग्ज़ाम हम लोग में कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको लगभग 3 माह का हम लोग उनको टाइम तो देना चाहेंगे, 90 दिन का। दिसंबर में लगभग एग्ज़ाम होगा तो नवंबर तक तो आप, दिसंबर तो आप हम लोग एक साथ रोटी भी खा सकते हैं और सब्जी भी खा सकते हैं।
तक तो हम लोग मतलब तो हम लोग सितंबर में अगर वो परीक्षा कर रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम लोग उसके पहले परीक्षा दूसरा नहीं ले सकते हैं। हम लोग उसके मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लोग आसपास हम लोग उनको पर्याप्त समय देंगे और मोटा मोटी आप ये समझ के चलें कि अगस्त महीने में एग्ज़ाम होगा, अगस्त महीने में एग्ज़ाम होगा। हम लोग अभी क्योंकि वो ये एग्ज़ाम चार दिन चलेगा, क्योंकि चार पेपर हो जाते हैं और चूँकि हमें सबको मौका देना है, प्राथमिक के लिए भी और हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी के लिए भी, इसलिए वो हमें समय लगेगा उसमें। नहीं, वो तीनों के लिए एक होगा, इसलिए आप वो सरल होगा, वो सरल होगा। हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे शिक्षक हैं वो अपने भी मतलब सर उठा करके चलें, और आप लोग भी जब जा करके जब कभी चेक करते हैं और बोल पाते हैं कि उनको मतलब एक स्पेलिंग नहीं, अपना रविवार शनिवार तक नहीं जानते हैं, तो फिर बड़ा दुखद लग स्थिति वैसी नहीं होगी। बात विषय के जो हैं वो अपने विषय के तो ज्ञाता हैं ही, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक सामान्य होगा। अगर मान लें कि अंग्रेजी की बात अगर करें तो और कम से कम अगर अंग्रेजी का अखबार उठा करके पढ़ तो सकें, चार लाइन अगर कोई लिखा हुआ है तो उसको समझ तो सकें कि क्या लिखा हुआ है, उतना ही भर है, सामान्य है। कोई हम उसमें उनसे शेक्सपियर के बारे में नहीं पूछने वाले हैं, है ना। कटऑफ मार्क्स जैसे था कि सर प्रधानाध्यापक बोला 40 वो सामान्य प्रशासन का बहुत पुराना सर्कुलर है और वो सभी परीक्षाओं में लागू है, वो इसमें भी लागू है। सर अभी इंग्लिश नंबर की बात कर रहे थे तो जहाँ तक मेरे नजरिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम ऐसे टीचर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश का साधन नहीं है, तो लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे पेपर दे पाएंगे। देखिए जैसे आप शायद पता नहीं थी कि नहीं थी, मैंने बताया कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग पटना नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, और सड़कों पर आजकल पटना के सड़कों पर आप देखेंगे कि साइनेजेस जो हैं काफ़ी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। जितने व्हाट्सएप जो होते हैं बहुत से व्हाट्सएप तो अंग्रेजी में भी लिखते हैं ना। कोई एक एक अगर हम बिहार के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या उनकी सीमाओं से बच्चे की भी जानकारी या उनका जो ज्ञान जो है बाधित हो जाए, नहीं होना चाहिए। हम उनको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो अंग्रेजी विषय के वो शिक्षक नहीं है, इसलिए अंग्रेजी वो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए ना जो अपने, क्योंकि वो अगर प्राथमिक विद्यालय के अगर शिक्षक है तो वो सब कुछ पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल के हैं तो अलग बात है, फिर तो विषयवार हो गया, फिर उसको अंग्रेजी के अलग विषय के शिक्षक होंगे। 25 नंबर है अंग्रेजी, 75 है हिंदी, हम अंग्रेजी नहीं बनाए, 75 से हिंदी बनाए। आपने सुन, मैंने इसके बारे में जवाब दे दिया है, इसलिए आप उसको आप समझ लें। मैं बता दूं कि आप जो तीनों स्तर के, क्योंकि अभी मेरे पास मध्य विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई है इसलिए मैं मध्य विद्यालय के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, उसका जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी जितने भी स्तर लेवल के विद्यालय के शिक्षकों के बारे में मामला है, सब में देखेंगे कि अनिवार्य अर्हता में सीटेट एस्टेट ये है या बीएड डीएलएड है, ऐसी स्थिति में उन परीक्षाओं में प्रशिक्षण संबंधित कैसे पेडागॉजी जो कहते हैं उसके संबंध में या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी उसकी परीक्षा वो टीचर्स एबिलिटी टेस्ट में दे चुके हैं, तो अब फिर से उसी चीज़ के अगर हम लेने लगे हैं तो फिर आप ही लोग कहेंगे कि जब उसमें जब ले ही चुके हैं तो फिर इसमें भी वही चीज़ ले रहे हैं, तो नई परीक्षा की क्या ज़रूरत है। नई परीक्षा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या अगर 6 लाख है और अगर हम उसमें से 1,70,000 ही को हमको अगर लेना है तो स्वाभाविक है कि हम मेरिट बेस्ड ही हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। अब रही बात कि पेडागॉजी जो है
या चाइल्ड डेवलपमेंट CDP जिसको कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात जो कहते हैं, ये ऐसा चीज़ है जिसके लिए वो पहले से एलिजिबल हो, अपना वो अपनी पात्रता पहले से प्रमाणित कर चुके हैं। दूसरी बात कि ये ऐसा मामला है कि वो भविष्य में, क्योंकि वो TET करके आए हुए हैं, वो जब स्कूल में जब जाएंगे वहाँ भी और भी अनुभव ज्ञान कर अभी हासिल करेंगे, उनका उसमें निखार आना ही है। उस पर हमको एक बार जब वैलिडिटी टेस्ट कर चुके हैं उस बिंदु पर, तो दोबारा हमको उसी बिंदु पर उसकी परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। ऑब्लिक उर्दू ऑब्लिक बंगला, देखिए प्रश्न पत्र जो हमारा जो सब्जेक्ट का जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन नेचुरली अगर वो अगर हिंदी का प्रश्न अगर है का पेपर है तो हिंदी में ही सिर्फ रहेगा, अगर इंग्लिश का है तो फिर उसमें हिंदी तो नहीं रहेगा। सरकार ने ये कहा है कि एक अभ्यर्थी कोई एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकता है, एक से अधिक नहीं कर सकता। हाँ ये आप है कि अगर आप हाई स्कूल के लिए अगर दे रहे हैं तो उसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, और अगर इंटर के लिए, अगर आप प्लस टू के लिए, अगर हायर सेकेंडरी के लिए दे रहे हैं तो उसमें अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें एक सब नहीं, लेकिन एक पद के लिए एक ही सब्जेक्ट पर आपको चूज करना होगा। एक मिनट में और इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट वही होगा जो जिस सब्जेक्ट में आपने TET पास किया है। ऑफकोर्स CTET के केस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें तो सब है, वो प्राइमरी के लिए सिर्फ है। और STET अगर आप पास किए हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपने पास किया है तो आप उसी सब्जेक्ट में आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई शायद ही कोई होगा जो कि दो सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में किया होगा, तो उसमें उसको एक चुनना है, एक परीक्षा के लिए एक चुनना है उसको। उसके साथ साथ क्योंकि उसके उसको छूट है कि वो तीनों एग्ज़ाम दे सकता है, प्राथमिक सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तीनों में दे सकता है, लेकिन अगर किसी का तीनों में हो जाएगा तो बाकी एक ही में ज्वाइन कर सकेगा, तो बाकी दो का वैकेंसी मार देगा, वेस्ट कर देगा, बर्बाद करेगा। तो इसलिए हम लोग उससे ऑप्शन लेंगे कि उसको हम एक ही जॉब ऑफर चूँकि कर सकते हैं और उसको एक ही नौकरी कर सकता है, वो दो एक सदी तो कर भी नहीं सकता है वो, इसलिए उससे हम प्रेफरेंस ले लेंगे, प्राथमिकता ले लेंगे उससे कि आप कौन सा, आप किस क्रमांक में करना चाहेंगे, और हम उसको एक ही जॉब ऑफर करेंगे ताकि उसका वैकेंसी वेस्ट नहीं करे, वो बर्बाद ना करे, और दूसरे अब जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको वो उसका मिल सके, मिल सके। दूसरा सवाल ये है, देखिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो सरकार के द्वारा पहले से निर्धारित है, उसमें महिलाओं के लिए अलग है, सामान्य के लिए अलग है, वो उसका पूरा आप लोगों को ज्ञान होगा, हमारे पाठ्यक्रम में भी वो परसेंटेज लिखा हुआ है। अब रही बात कि सरकार ने इस बार जो नियमावली जो बनाया है उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए, में शिक्षकों के पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 50% से रखा है, 50% रखा है, तो अन्य में 30% या 35% है, 35% है। अन्य में जो पहले से है वो सही रहे, और प्राथमिक विद्यालय के केस में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे जो भी एग्ज़ाम है MCQ बेस्ड हैं, और इसका इवैल्यूएशन हमारे कंप्यूटर से ही होंगे जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। जो लोग आयोग के पास आते रहते हैं या आयोग की पद्धति से वाकिफ हैं वो जानते होंगे, मैं एक दो बातें और बता देना चाहूँगा जो लोग नहीं वाकिफ होंगे उनके लिए। पहली बात कि ये MCQ बेस्ड होगा तो इसमें हम सारा का सारा जो है कंप्यूटर से ही हम इवैल्यूएशन करते हैं, और हम लोगों ने एक नई परिपाटी बनाया है कि जो हमारे आंसर की जो निकलते हैं वो हम पहले से प्रदर्शित कर देते हैं, और उस पर जिसको आपत्ति करनी है तो आपत्ति भी करते हैं एक बार दो बार, तो वो इसमें रहेगा। जो हम लोगों ने इतने दरमियान में जो अनुभव हासिल किया है इस तरह की परीक्षाओं को लेने में और जो सुधार किया है उसका लाभ शिक्षक अभ्यर्थियों को भी होने वाला है।
तीसरा ये इसमें यह रहेगा कि पारदर्शिता बरतते हुए हम उनका ओएमआर शीट को वेबसाइट पर उनको दे देंगे ताकि वो अपना ओएमआर शीट देख सकें कि उन्होंने क्या किया है। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, उनको ये आगाह भी कर दूं कि जो मैं जो ये सुविधा दे रहा हूं तो उसके साथ साथ जो पारदर्शिता और जो कठिनाई जो कड़ाई जो की बरती जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दे दूं। हम लोग अपना प्रश्न पत्र जो है वो सीधे एग्जामिनेशन सेंटर में अभ्यर्थियों के सामने खोलेंगे, वो कहीं किसी सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में नहीं खुलेगा। वो पहुंचेगा और जो लोग यहाँ से पहले से आते रहे हैं वो तो वाकिफ़ हैं, जो नहीं आ रहे जो पहली बार आ रहे होंगे जो उनके लिए मैं बता दूं, और शिक्षक अभ्यर्थी चूँकि के लिए ये पहला अनुभव होगा, ताकि बहुत पहले जो इस वर्तमान जनरेशन के जितने जो होंगे वो तो उनके लिए पहला अनुभव होगा कि बीपीएससी कर रहा है, तो बीपीएससी अपनी जो व्यवस्था है उसके बारे में बता देना चाहेंगे। तो उनको एक घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा सेंटर पर कम से कम, और इस केस में क्योंकि ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज से ये थोड़ा पीटी से ये थोड़ा डिफरेंट ये परीक्षा है, ये परीक्षा जो है, अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं क्लोज कर सकता हूं। नहीं, अगर आप लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं तो मैं क्लोज कर दूंगा, फिर दोबारा ना पूछेंगे आप, और आप लोग शांत रहें उधर पीछे, हल्ला ना करेंगे। देखिए, ये परीक्षा पीटी की परीक्षा नहीं है, ये मेंस की परीक्षा है, क्योंकि इसमें अगर आप सफल हुए तो आप सफल हुए, पीटी की परीक्षा तो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। तो स्वाभाविक है कि यह परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा, प्रथम और अंतिम यही परीक्षा है, मेंस की परीक्षा के समतुल्य है, तो इसमें हम ज़्यादा एहतियात बरतेंगे, और हो सकता है कि इसमें जो अभ्यर्थियों को हम एक घंटा से भी और पहले हम क्लोज कर दें। अभी हम दो घंटा पहले बुलाते हैं, हम सब हो सकता है कि हम तीन घंटा पहले बुलाएं और हम सबका फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक करेंगे। इस परीक्षा में हम पीटी की परीक्षा से भिन्न मानते हुए इसमें हम इसको मेंस के सदृश मानते हुए हम इसमें सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया जाएगा, आवेदन में भी बायोमेट्रिक लिया जाएगा। अगर आधार दे देते हैं सो फार सो गुड, अगर आधार नहीं देते हैं तो हम उनकी बायोमेट्रिक उनके आवेदन के साथ लेंगे, और उसका हम मिलान भी करेंगे सेंटर पर, और वहाँ पर भी हम उनका बायोमेट्रिक लेंगे, जैमर भी लगाएंगे, फ्रिस्किंग भी करेंगे, और थोड़ा सा भी अगर हम लोग पाएंगे कि कोई अगर गलत कर रहा है तो हम उसको 5 साल के लिए डिबार भी कर देंगे। कानूनी कार्रवाई तो अलग है, अगर मान लीजिए संगीत जो अपराध के श्रेणी में जो आएगा जो अगर उनका कदाचार, तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई तो होगी अलग से। ये कड़ाई के साथ साथ मैं उनकी जानकारी के लिए दे देना चाहता हूँ कि जब क्वेश्चन पेपर जो पहुँचेगा तो उसके पहले अभ्यर्थी सब अपने अपने कमरे में अपने सीट पर बैठे रहेंगे, उनके क्वेश्चन पेपर आएगा, और मैं ये खाली ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोगों ने कर रखा है। उनके सामने सील्ड कंडीशन में आएगा, हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ बैठे रहेंगे वो, उनके सामने खुलेगा और उनके सामने ही वितरण होगा। और दूसरा एक और बात, क्योंकि अभ्यर्थी लोग जब एग्ज़ाम दे देते हैं उसका निकल के भागने की जल्दबाजी रहती है, और अगर वो जल्दबाजी में बाहर निकल गए और उसके बाद किसी ने उनका ओएमआर में या कुछ भी मिली भगत अगर कोई कर देता है तो कौन देख रहा है। तो इसलिए उनके सामने में एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद उनको 15 मिनट तक वेट करना चाहिए, उनको कहा जाए बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने सामने में उसी एग्जामिनेशन हॉल में वो वापस वो उनका ओएमआर सीट सील्ड होगा। ये सारी प्रक्रिया जो है हम लोगों ने अपने अनुभव से लागू कर दिया है अपनी विभिन्न परीक्षाओं में,
और यह इसमें भी लागू रहेगा। इसलिए मैं बता दूं कि इम्पर्सनेशन या पेपर लीक या टैम्परिंग, जो ओएमआर शीट में जो टैम्परिंग पहले बाद में या फिर हमारे यहाँ स्ट्रांग रूम में आने पर, वो सारी व्यवस्था पर हम लोगों ने जो अपना जो फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा है वो इसके इसमें भी लागू किया जाएगा। और स्वाभाविक है कि जितनी कड़ाई हम उसमें करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही कड़ाई इसमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक मेंस की परीक्षा के सदृश है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट पीटी के नहीं है। तो अब इसके बाद अगर और भी कोई प्रश्न हो तो नहीं 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 मैं आपकी बात नहीं समझा। देखिए हम लोग जो अभी जैसे पीटी की परीक्षा जैसे कराया हम लोगों ने फरवरी महीने में कराया और शायद 1.25 महीने में हम लोगों ने उसका कर दिया, तो उसमें चूंकि एक ही पेपर था सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो आंसर की को सही करने में, क्योंकि जब स्टेक्स ज़्यादा हाई है एकक, क्योंकि उसमें सफलता का प्रतिशत जो है बहुत कम है, एकक नंबर पर कई कई अभ्यर्थी हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कम लोगों को सेलेक्ट करना है, एकक नंबर पर कई अभ्यर्थी हो जाएंगे, मारामारी रहती है, अगर कोई एक आंसर पर आपत्ति है तो उसका काफ़ी लंबा मतलब चलता है फिर मामला। उन सबको करने के साथ हम लोग इसको निकाल दिए करीब 1.25 महीने में, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड था, क्योंकि दूसरे राज्य कई कई मतलब यूपी हमारा बगल में है तो उसने 2-3 महीने उस समय तक हम लोग से पहले एग्ज़ाम लिया हुआ लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकाल सका। कई ऐसे बातें होती हैं इसमें, चूँकि ये 4 गुना है लेकिन हम 4 गुना समय नहीं लेंगे। स्वाभाविक है कि हम कई चीज़ों को अगर हम चावल पका रहे हैं तो हम सब्जी भी साथ ही पका सकते हैं ना, अगर 4 कपड़ा सुखा रहे हैं तो 4 कपड़ा को एक साथ ही सुखाएंगे ना, हम अलग अलग तो नहीं सुखाएंगे, तो 4ों का हम स्कैनिंग करेंगे एक साथ और 4ों पर हम उस आंसर की बात करेंगे। तो चूंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत 4 गुना टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और हमको हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर में हम उसको निकाल देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इस साल तक, जो इस साल तो इस कैलेंडर ईयर में तो निश्चित तौर पर हो जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक जाना चाहिए और जाएगा ही, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा और अभ्यर्थी भी ईमानदारी से दें, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।